नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, ये हमारी QAS यानी क्वेश्चन आंसर सीरीज है। इसमें हम आधुनिक भारतीय इतिहास में जो भी क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं उनको हल करने और साथ ही साथ उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उन क्वेश्चन से जुड़े जो भी अन्य क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उनकी भी साथ ही साथ व्याख्या और उसको जानने की कोशिश करें, ताकि वो टॉपिक हमारे लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए और हम भविष्य में अगर उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको हल कर लें। ये आधुनिक भारतीय इतिहास, जो कि कंपनी शासन के तहत हम इसको अध्ययन कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन कंपनी शासन के तहत आए हैं, जो कि 1757 से 1857 ईस्वी के मध्य था, तो ये उसी के तहत अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उनको हल कर रहे हैं, उनके साथ और चीजों की भी व्याख्या कर रहे हैं। और ये भाग 14 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले नॉलेज स्ट्रीम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इसको अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ है उसके लिए बहुत ही लाभदायक होगी ये सीरीज। आज के सीरीज में हम जो पिछले लेक्चर में लास्ट लेक्चर यानी 13 उसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी से कुछ दो तीन सवाल छूट गए थे उनको करेंगे, और उसके बाद सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में जो भी सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी निम्नलिखित में से किस धर्म को पुनर्जीवित कर उसे मजबूत बनाने की वकालत करते थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जरदुस्त यानी पारसी, ऑप्शन बी हिंदू, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी थे वो बेसिकली जो धर्म थे उनको पुनर्जीवित कर उसको मजबूत बनाने की कोशिश करते थे, वो धर्म थे जरदुस्त यानी पारसी, हिंदू और बौद्ध, यानी तीनों ही ऑप्शन सही हैं। जो पारसी है उनकी एक प्रमुख पुस्तक जैसे हिंदुओं की गीता है या मुस्लिम समाज की कुरान है और सिख्स की गुरु ग्रंथ साहब मानी जाती है, वैसे ही पारसियों की एक बहुत प्रमुख पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक, जिसको जैन अवेस्ता के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो एक है इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है उपरोक्त सभी, यानी ये सारे ही धर्म थे तीनों, इनको थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी पुनर्जीवित कर उसको मजबूत बनाने की वकालत करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में सत्य कथन कौन सा है? इसके अनुयायी पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते थे, ये सांख्य और उपनिषदों के दर्शन को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे, ये विशुद्ध बंधुत्व की भावना का समर्थन करते थे, और डी उपरोक्त सभी। तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी थे वो इन तीनों ही बातों का समर्थन करते थे, यानी पुनर्जन्म कर्म के सिद्धांत को मानते थे, सांख्य और उपनिषदों के दर्शन को प्रेरणा स्रोत मानते थे, और विश्व बंधुत्व यानी यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना को समर्थन करते थे। सारे इसके ऑप्शन सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ बढ़ते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य, ए आर्य दर्शन और धर्म का अध्ययन, बी ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पोषण करना, सी ईसाई धर्म का उत्थान करना और डी उपरोक्त सभी। तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य आर्य दर्शन और धर्म दर्शन था, धर्म का अध्ययन करना था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आर्य दर्शन और धर्म दर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर है, सर सैयद अहमद खां ने किस वर्ष मुसलमानों के लिए एक वैज्ञानिक समाज यानी साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है ए 1864, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1875 और ऑप्शन डी 1880। सर सैयद अहमद खां जो अलीगढ़ मूवमेंट से जुड़े हुए थे उन्होंने मुसलमानों के उत्थान के लिए एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, और ये की थी सन 1864 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1864। चलिए क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ बढ़ते हैं। सैयद अहमद खान ने किस वर्ष अलीगढ़ में मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर अलीगढ़ विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ? ऑप्शन ए है 1865, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1880 और ऑप्शन डी है 1885। जैसे कि इसका आंसर सभी को पता होगा कि जो सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले अलीगढ़ में मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय बना, उसकी स्थापना सन 1875 में की थी। इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1875।
नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। अलीगढ़ स्कूल के प्रमुख नेताओं में से कौन थे? एक चिराग अली, बी अल्ताफ हुसैन अली, सी नजीर अहमद और मौलाना सिबली नुमानी। चार। तो जो अलीगढ़ स्कूल के प्रमुख नेताओं में से और नेता जो सैयद अहमद खां के अलावा जो प्रमुख थे उनके बारे में जान लेते हैं। ऑप्शन ए है 1 और 4, ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है 1, 2, 3 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। तो जो और प्रमुख नेता थे सर सैयद अहमद खां के अलावा वो चिराग अली और अल्ताफ हुसैन अली थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1 और 2। तो ये बहुत ही प्रमुख व्यक्ति हैं और इनके बारे में एग्जाम्स में काफी पूछा गया है और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो शायद ही लोगों को पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष में सर सैयद अहमद खां इंपीरियल विधान परिषद के सदस्य बने थे? जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनके सदस्य के रूप में चुने गए थे, वो साल पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1878, ऑप्शन सी है 1880 और ऑप्शन डी है 1888। तो जो सर सैयद अहमद खान थे वो 1878 में इंपीरियल विधानसभा के सदस्य बने थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1878। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सैयद के प्रगतिशील सामाजिक विचारों का प्रचार उनकी किस पत्रिका के माध्यम से किया गया है? बेसिकली उस पत्रिका का नाम पूछ रहे जो सर सैयद अहमद खां प्रकाशित करते थे और उनके विचार उसमें निहित थे। आपके ऑप्शन है तहदीब उल अखलाक यानी शिष्टाचार के नैतिक सुधार, मीरत उल अकबर, सी ज्ञाने वशान और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सैयद अहमद खां की पुस्तक थी तहदीब उल अखलाक यानी शिष्टाचार के और नैतिक सुधार, उसी में ही उनके विचार सम्मिलित होते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तहदीब उल अखलाक यानी शिष्टाचार के नैतिक सुधार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के उद्देश्य, एक इस्लाम के प्रति अपनी निष्ठा को कमजोर किए बिना भारतीय मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा का प्रसार, बी पुर्दा बहुविवाह विधवा पुनर्विवाह महिला शिक्षा गुलामी तलाक आदि से संबंधित मुसलमानों के बीच सामाजिक सुधार। आपके ऑप्शन है केवल ए, ऑप्शन बी केवल बी, दो केवल, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो अलीगढ़ आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य ये दोनों ही है यानी इस्लाम के प्रति निष्ठा को कमजोर किए बिना भारतीय मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा का प्रसार और पुर्दा बहुविवाह विधवा पुनर्विवाह महिला शिक्षा गुलामी तलाक आदि संबंधित मुसलमानों के बीच सामाजिक सुधार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष सर सैयद अहमद खान ने पुस्तिका अजबाब ए बगावत हिंद यानी भारतीय विद्रोह के कारण जिसके कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट भी बोला जाता है प्रकाशित की थी? ये जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसके पश्चात उन्होंने ये पुस्तक ली थी उस विद्रोह को लोगों के बीच में उसके जो कारणों को जानने के लिए। तो आपके ऑप्शन है 1857 में, ऑप्शन बी 1858 में, ऑप्शन सी 1859 में और ऑप्शन डी 1860 में। तो ये जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी 1859 दो साल बाद लिखी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1859। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है भारतीय विद्रोह के कारण यानी कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट या असबाब बगावत हिंद के नाम से भी ये क्वेश्चन आता है। मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखा है ताकि आज हम सैयद अहमद खां अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में सारे क्वेश्चन को हल कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 11 और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलीगढ़ आंदोलन संबंधित था, ब्रिटिश भारत की मुस्लिम आबादी के लिए शिक्षा की एक आधुनिक प्रणाली स्थापित करने के लिए, दो ब्रिटिश भारत में इस्लाम के धर्म का प्रचार करने के लिए प्रसार करने के लिए। आपके ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ब्रिटिश आंदोलन संबंधित था वो मुस्लिम आबादी के लिए शिक्षा की आधुनिक प्रणाली को स्थापित करना था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ओनली। इस तरीके से दोस्तों आज हमने भाग 14 में जो आधुनिक भारतीय इतिहास में कुछ क्वेश्चन हमें थियोसोफिकल सोसाइटी और फिर उसके बाद अलीगढ़ मूवमेंट और सर सैयद अहमद खां के बारे में जो भी एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण और पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाएंगे, इस तरीके से आज हमने भाग 14 सीरीज पढ़ा। और आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए।
नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।